अभी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। पटी साहब बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, मेरे वालों भी आप जी सारे श्रोतियों के दर्शकों नूं सत श्री अकाल जी। अज की गल लेट हो गए जी पाओ जी, तुहानूं पता शनिवार छुट्टी हुंदी है। अच्छा ठीक तस्वीर नहीं आ रही थी पटी साहब, अज की गल सोखिया खड़े हो के क्या के थोड़े अफसर रिश्वत लेंदे हन, मेरे को वीडियो है, ता की खबर की रिएक्ट किया भगवंत मान उन्होंने? देखो भगवंत मान दे समागम दे विच कल इन्नी क सख्ती सी भी तुसी बिना पास विखाए जिहड़े पास पार्टी ने इशू कीते सी तुसी ओह विखा के जा सकदे। ईवन इथों तक के पत्रकार नूं पहलां बुलाया ते मुड़ के जाण तों उन्हां नूं रोकिया गया ते फिर उत्ते दंगा पसंद होया। इन्नी मिस मैनेज उठे सी जिन्नी झूठ बोली है, उस मिस मैनेज दे विचों ही मुड़ के जो भगवंत मान स्टेज ते आया पहली गल ते अपने निर्धारित समय तो करीब करीब डेढ़ घंटा लेट आया, क्योंकि केजरीवाल साहब जड़े सी दिल्ली तो आने से जहाज रहे, जहाज जा लेट हो गया जा आप लेट हो गया पता नहीं। इन मिस मैनेज सी, पत्रकारों नूं साढ़े ग्यारह टाइम दिता सीगा ते वह डेढ़ बजे के सवा दो सवा एक बजे करीब आया। जदों आके स्टेज ते बैठा ते उहदा स्वागत जे कर रहे सी ते एक बंदा उठ के कहिंदा जी तुहाडे अफसर रिश्वत लैंदे आ, मेरे को वीडियो हैगीआं ने ते इत्थे सब ढांचा अस्त व्यस्त आ, कोई इंसाफ वाली गल कोई नहीं हैगी। इन्नी गल कहिंदी देर सी ते भगवंत मान ने स्टेज तो ही कहा भाई इहनूं अगे बुला लो, इह दुखी लोक ने। अगे बुलाया गया उन्हों, अगे बुलाउन तो बाद बकायदा तौर पर उन्हों अगे बिठाया गया, बिठाउन तो बाद उन्हें कहा जी जान लगे सी मिलके जावांगे ते भगवंत मिलके गया। मुड़ मामला की सी जी, मामला यह सी, यह बंदा हैगा वा अमरजीत सिंह हैगा लुधियाने का, बेसिकली कतजम कली दिल्ली जां दंगा पीड़ित कह लिए उन्हों का भी यह पीड़ित है। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 84 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 400 ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ 5-10 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ SC ਵਰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ST/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੜ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਭਾਈ
तेनू शाम तक फोन आ जाएगा। हुण शाम तक उन्हूं फोन आया जां नहीं आया ये तो जानदा होगा, लेकिन अज भी लोग दुखी ने, प्रशासन काम नहीं कर रहा। ते मान साहब कहिंदे आ भी सरकार तुहाडे द्वार हफ्ते च दो दिन तहसीलदार एसडीएफ ते डीसी पिंडा जाया करनगे ते उत्थे जाके रजिस्ट्री करके आया करनगे। होएगा कि जिवें साडी लोक अदालत लगदी है ना, लोक अदालत जिहड़े फैसले उन्हां पूरे कीते हुंदे आ पहला उह डिक्लेयर उदन कर दिंदे आ कि इन्ने किस्म दा पटारती जज सी, फैसले पहला शटल कीते हुंदे आ। इस तरह यह होगा कि लोग अपने जिहड़ियां रजिस्ट्रियां ने आके वसीकियां को लिखाउणगे, उत्थे पैसे भरनगे, अफसरां दा जिहड़ा वा हिस्सा वह भी उन्हें दित्ता जाऊगा वसीके नूं, ते वसीका भी उन्होंने नाल ही पिंड जाऊगा ते जाके रजिस्ट्री करके वापस आ जी। इदू बाद उत्थे कुछ होने वाला नहीं, इस करके सरकार तुहाडे द्वार नहीं, इत्थे ते द्वार तुहाडे पुलिस ही आउंदी आ चुक के लै जांदी आ, उन्हां नाल बेइंसाफी हुंदी आ, झूठे परचे दर्ज हो जांदे ने जी। जी 905-813-1320 हुण टाइम तुहाडा है जी, तुसीं कोई सवाल जवाब करना चाहुंदे हो 905-813-1320 ने रिपोर्ट कीते जनतक की खबर आ रही है जी। देखो ए जड़ी एक है तत्थ खोज कमेटी जमहूरी सभा ने बनाई सी, ये जो चेयरमैन ने वो प्रोफेसर जगमोहन सिंह शहीद भगत सिंह दे पणेवें ने जी। ये जमहूरी अधिकार सभा ने जाके उत्थे तत्थ खोज की आ, पीड़ितों नाल गल की आ, डॉक्टर नाल गल की आ, सारे लोगों नाल गल की, इन्हां ने यह तत्थ कढ़िया वा भी इन्हां दे कोले मिथोल बनाउण दा जिहड़ा सी सर्टिफिकेट हैगा सी लिया सी सरकार कोले, इन्हां दी शराब तो वक्खरी लड़ गई ना, लेकिन उत्थे पोटाशियम साइनाइड साइनाइड बहुत जहरीला पदार्थ था, इन्होंने उत्थे वह भी बनवाना शुरू कर दिता, बेचना शुरू करता। एक लीटर शराब बनाने के उत्ते 8 तो लैके 15 लीटर पानी खराब होंदा वा, वह कित्थे जांदा वा। हुण यह जिहड़ी इहदी वेस्टेज सीगी वह वेस्टेज धरती सुट्टदे रहे, धरती के सुटने के नाल जिहड़ा सी उत्थों दा पानी गंदला हो गया, लोग बीमार होने शुरू हो गए, कोई कैंसर तो पीड़ित, कोई किडनिया तो पीड़ित, कोई मेदे तो पीड़ित, इहो जिहे लोग उत्थे पैदा हो गए। हुण इह तत्थ खोज कमेटी ने अपनी रोड जनते कीती आ भी इह फैक्टरी चलण दे काबल नहीं, इहनूं बंद किया जाए, लेकिन सरकार अजे बंद करने मूड च नहीं। क्यों? जिहड़ा बयान बकायदा तौर ते मानयोग मुख्यमंत्री से दिता सी भी असीं फैक्टरी बंद करन दा फैसला कर लिया, उस बयान नूं फैक्टरी दे मालक ने बकायदा तौर ते हाईकोर्ट जिहड़ी चुनौती दित्ती आ भी इहनूं की अधिकार दी गल कहण दा, साडे कोल सारे लाइसेंस पूरे आ। उल्टा उहनां कोर्ट नूं कहा भी अदालत दे हुक्मां दी जिहड़ी आ उह उलंघना कीती जा रही, अदालत ने आदेश दिता भी फैक्टरी वाला रस्ता खाली किया जाए तो फैक्टरी चलन दिती जाए, लेकिन ना तो पुलिस ते सरकार फैक्टरी का रस्ता खाली करवाउंदी आ, ते ना ही फैक्टरी का कच्चा समान जान दे रही उत्थे, ना उन्होंने वर्कर जान रही है, साडा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। हुण दूजे पासे जी नाल होर एक सवाल जोड़ दी आपां, उहदे विच जिहड़े बाबा सीचेवाल ने उन्होंने कल एक गल की बंदी सिंह रिहा किए जाएंगे, असी सीचेवाल जी आने सीचेवाल जी बंदी सिंह से बड़ी दूर की गल, छोटा जिहा काम करते हो, तुसी जिस पार्टी के मैंबर राज्यसभा हो
उस पार्टी के मुखी नूं कह दिओ कि भाई दविंदरपाल सिंह भल्लू नूं रिहा कर दिओ, जिहदी रिहाई बारे 2019 च केंद्र भी कह चुका, इन्ना भी नहीं कर सकते तुसीं। दूसरी जी, किसानां ने सीचेवाल के खिलाफ नारेबाजी की, एक गल कही है कि एक क्यों नहीं जाके उत्थे रौला पाउंदा, राजसभा च क्यों नहीं कहिंदा फैक्टरी बंद की जाए, लोगों इंसाफ दिता जाए। ये होर गल जुड़ जाने जी, लोगों की फैक्ट्री के बारे भी किसानों ने मोर्चा लाता, तो डीसी को मंग पत्र दिता, क्या किया कि यह फैक्ट्री भी पानी गंदला कर रही है धरती हेठला, ये फैक्ट्री बंद किए, शराब फैक्ट्री बंद की जाए, तो जी सेरो सहकारी शुगर मिल वह शुरू की जाए। साड़िया सरकारां काम कर दियां ने, जिहड़ी किसी की भलाई की गल वह बंद, तो जिहड़ी अपनी कमाई की गल वह चालू जी। इस करके सीचेवाल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है कि तू करदा कुछ नहीं, गल्ला बोतिया करदा, तू साडे कोलों होके भी गया, तू वेख के भी गया, फिर तू कहता फैक्ट्री क्यों बंद हो सकती है, फैक्ट्री भाई बंद होगी जो मर्जी हो जी। ਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-813-1300 9058131320 ਜੀ। ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, काला पानी अपने मोटर चो आ, गंधला आ, कदे लाल आ, चंगा लाल आना ने भी कोर्ट के रिट पाई है, अपने कोर्ट नी फैक्ट्री अंदर इन्वेस्टिगेशन कराओ, भी कोर करा के जेड़ा लाण आ वो अपने जमीन के थले सिट रहे है, फैक्ट्री आले कोर्ट च गए उहदे खिलाफ तक कोर्ट ने कहता जी रास्ता क्लीन दिओ, इहना समान जाण दिओ, पर जथेबंदियां भी इहनूं भी कोर्ट जाना चाहिदा कि नहीं जाणा, जां फिर बाहर ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करी जांदे आ जी। सर वेखो, जथेबंदियां कोर्ट भी जा चुकी, पुलिस को जा चुकी, सरकार को जा चुकी, कित जथेबंदी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई कि वह कहिंदियां सरकार ने परमिशन दिती इस फैक्ट्री लगन वास्ते, तुहाडे लोकां ने पंचां सरपंचां ने दस्तखत कर दिते, इन्हां नूं दस्तखत कराए जी सिर्फ बॉटलिंग प्लांट वास्ते, दस्खतों के बिहाफ के उ पहला शराब फैक्टरी, फिर मिथोल फैक्टरी, हम साइनर बनाने शुरू कर दिता। उ इस करके अदालतों में बड़ी गल सुन नहीं रही, तो तू पता वे जरा शराब माफिया वा यह बहुत स्ट्रोंग माफिया वा, इन्हों की सरकार भी अदालतों के भी विधान पालिका के सब जगह सुनाई होंगी है, गरीब किसान कहना क्या कर लूगा, गए ने यदि गल नहीं, कोर्ट च केस चलते उन्होंने भी चलते हैं, लेकिन जिदा सा तरीक दर तरीक तरीक दर तरीक तरीक पी जी, बस ठीक जी जी। पट्टी साहब, नेक्स्ट कॉल ऑन द एयर, सत श्री अकाल। हाँ जी, सॉरी पट्टी साहब, मैं दोबारा आना पिया थोड़ा जहा फॉलोअप करने के लिए। मेरा सर सवाल एक्चुअली थोड़ा जहा पता इदा सगा, नासर का बेशक एरिया वाले ने दिते फैक्ट्री लाने लिये वो लंघ कर लिया, लेकिन जेडे कानूनी क्लॉज है उन्होंने फैक्ट्री ने फॉलो नहीं किया, वो चीजा कोर्ट के पेश करके मैं कह रहा भी फैक्ट्री लाने का कहता भी हम जो फैक्ट्री उत्थे अपने कानून दिया धजियां ला रही है उसके खिलाफ तो कोर्ट फैसला दे सकती है ना, मैं सर वो चीज कर रहा भी जो पानी गंदला कर रही है फैक्ट्री, जमीन का पानी गंदा कर रही है, वो लाण अंदर खिट रहे हैं बोर करा के, उसके खिलाफ कोर्ट की कह रही है, मेरा उसके सवाल है सर जी। थैंक यू जी। देखो, ओदे खिलाफ बकायदा तौर पर कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जी, जिहड़ी पहला कमेटी बनी सी वो सिर्फ सिर्फ माहिरां दी बनी सी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बनी सी, किसानों ने इतराज किया सी, कोर्ट ने फिर किसानों के बंदे भी पाए ने, ओदियां तीन लैब्स विचों रिपोर्टां आ रही ने, उन्होंने रिपोर्टां आने तो बाद जिहड़ी कोर्ट अगला फैसला लूगी
लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जब भगवंत मान ने ऐलान किया रिपोर्टा के आधार पर किया रोटा ठीक नहीं है कोई सीधे रूप से कोर्ट फैक्ट्री बंद करने आदेश नहीं दे सकती जिन्ना चिर कोई थोरोली पक्के सबूत को ना हो हुण उहदे रिपोर्ट अजे आई नहीं जनतक च हुई नहीं कोर्ट च पेश हुई नहीं जदों कोर्ट च पेश होगी तो 16 फरवरी नूं इहदे उत्ते डिस्कस बकायदा तौर पर अदालत च होगा जी जी बड़ी साहब लेंदे नेक्स्ट कॉल ऑन द एयर सत श्री अकाल कॉलर जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल हां जी पट्टी साहब सत श्री अकाल जी वैसे पट्टी साहब ने दस दिता भी हूं तो की होंगे घुमा फरा के पुलिस थोड़े घरे आउंदी हुंदी है ते जिस तरह कल्ली है जीरा फैक्टरी की गल नहीं है जी इस तो पहला पट्टी साहब आप उम्र च भी वड्डे ने एक्सपीरियंस भी ज्यादा है इन्हों पता होगा लुधियाने जिदा डाइंग की फैक्ट्री ने ना जिन्हें प्लांट्स ने उन्होंने अज तो कदम 15-20 साल पहला की गल है जो मैं उत्थे जानते होंगे सीगे कि उस टाइम 10-10, 12-12 इंची चौड़े बोर करके ना डूंगे उन्होंने जेडे पॉइजनस कैमिकल्स ने वेस्ट है वह थले डंप करी जाते हैं पानी च अपने च इस करके कोई नवा काम नहीं तो हम जब लोग ज्यादा रौला पा देंगे ने भगवंत मान जो हो कोई होर हो इन्होंने उन्ना का मूह मत्था पूंज देना होंगे लोगों का जिन्हों को वोटा लत्तियां ने करन करा सामने ही आ जाना अपने 5 साल तक भी अपन पता लगे जाना भी ना फैक्ट्री बंद होनी है ना होर कुछ यहा जहा होना जी सामने ही आ जाना जी 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 बड़े साहब बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है तुम बिल्कुल दुरुस्त किया जी लुधियाने लंघ लागो की बुढ़ा नाला लंघता वा वो किसी वेले पवित्र नदी हुंदा सी लोग उहदा पानी पींदे सीगे अज पींदे की अज उत्थे हाथ भी धोण नूं जी नहीं करदा इन्ना गंदला पानी एक कैमिकल करके होया पिया उहदा मैं ये दस दिया तुहानूं अज दी डेट दे विच साडी सपोर्ट इंडस्ट्री जिहड़ी इंडिया दी ना उहदे विच 70% सपोर्ट दा समान जिहड़ा जलंधर तैयार हो रहा किड्डी वड्डी इंडस्ट्री साडे कोले आ साइकल इंडस्ट्री लुधियाने दे साइकल जिहड़े बहुत सारे कंट्री लुधियाने तों जा रहे ने असी ओ काम नहीं करदे जिहड़ा हुण वेखो जिहड़े डेंस जिथे पापूलेशन बहुत ज्यादा आ उत्थे कैमिकल वालियां इंडस्ट्रियां नहीं चल सकदियां कैमिकल वालियां उत्थे चल सकदियां जिथे जिथे आबादी बहुती नहीं हैगी चलो ठीक जे किते माड़ा मोटा कोई गंदला पानी मिल गया तो उहदा गुजारा हो जांदा उत्थे इतने साढ़े पापूलेशन बहुत ज्यादा है जिसे करके ये गंद जिहड़ा वा वह सानू खाण खाणा ते पीना पै रहा वा सानू इहदे बारे सोचना पऊगा असीं पहला भी कह चुके हैं भगवंत मान होरी गए ने उत्थे बंबे दे विच भी लो जी साढ़े आके फैक्ट्री लाओ किहड़ियां फैक्ट्री लाओ पहला ये डिसाइड करो साडी धरती की जात दिंदी आ पंजाब च किहड़ी फैक्ट्री लगनी चाहीदी आ वह डिसाइड तुसीं करनी दे तुहाडे कोल पहला फैक्ट्री दा माहौल तो बनाओ सड़कां लोकी मल्ली बैठे ने घरों बंदा तुरदा उहनूं पता नहीं मंजिल ते कदों पुज्जना वा किसान सड़कां ते ने मुलाजम सड़कां ते ने विद्यार्थी सड़कां ते ने जिहड़ी पंजाब दे विच आ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकदी आ पंजाब दे विच स्पोर्ट्स दी लगी आ जिवें साइकिल इंडस्ट्री लगी इहो जिहियां इंडस्ट्रियां इत्थे लग सकदियां ने असीं नहीं कहिंदे लग सकदियां लेकिन कैमिकल इंडस्ट्रियां तों अवॉइड करना चाहूंगी ये जिहड़ी पापूलेशन ज्यादा होने करके साडी कोई जगह खुली नहीं है कि जिहड़ी कैमिकल इंडस्ट्री ला सकी इत्थे जी जी लैंदे नेक्स्ट कॉल ऑन द एयर सत श्री अकाल कॉलर हेलो सत श्री अकाल किद्दां वी ठीक ठाक जी डैडी एंड मेरे मामा जी घर ड्रम पा के कद अपने मक्की च पा लिया कद अपने समाधी च पा लिया ड्रम जेड़े बंदे जट कह लो भी घर दे भाई शराब कढ़दे आ उहनां दा जिम्मेवार कौन आ आपां उहनां दी जीरा दी गल कर रहे आ अज वेखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਕੋ ਹੈਡ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 96 ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਡੈਡੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਬਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਰਮ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਮ ਪਏ ਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5-10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਟੋਟਲੀ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨੀ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੜ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੋਲ ਘੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੂ ਸੂ ਕਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਮ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾਈ ਭੱਠੀ ਜੀ ਬੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਭ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ 10 ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ 10 ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਚ ਕੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ MSP ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ 2021 ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਡੱਕੇ ਪਾਵੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੋਲ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਟਕੈਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ